नमस्कार, आप देख रहे हैं आरभट न्यूज, खबर नालंदा से है। बीते दिनों पटना में भीषण डकैती का मामला सामने आया था, जहां चोरों ने ज्वेलरी के दुकान में भीषण डकैती की थी। महज कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन फिर एक बार नालंदा में ऐसी ही भीषण डकैती की वारदात को चोरों ने अंजाम दिया है। भागन बिघा थाना क्षेत्र के पतासंग मोड़ के पास अज्ञात चोरों ने बड़े आराम से ज्वेलरी दुकान की शटर का ताला तोड़कर 5 लाख के महंगे आभूषण, 50,000 नगद की चोरी कर ली। घटना के बारे में सुबह में दुकानदार संचालक तुलसी कुमार को जानकारी हुई। दुकान संचालक तुलसी कुमार ने बताया कि वह दुकान बंद करके 7 बजे घर चले गए थे। देर रात अज्ञात चोरों ने शटर का ताला तोड़कर दुकान तोड़ दिया। इतना ही नहीं, चोरों ने दुकान के अंदर संदूक का ताला तोड़कर उसके अंदर रखे 5 लाख के महंगे आभूषण व गले के अंदर रखे 50,000 नगद लेकर आराम से निकल गए। आश्चर्य की बात यह है कि जिस दिन दुकान की सीसीटीवी कैमरा खराब हुआ, उसी रात चोरों ने इतने सातिर थे कि दुकान के अंदर घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। जिस जगह चोरी की वारदात हुई, उस जगह पर कई मकान हैं। बावजूद चोरों ने बड़े आराम से चोरी की वारदात को अंजाम दिया। संदूक काफी वजनदार है। बावजूद चोरों ने संदूक को उठाकर तोड़फोड़ किया, जिससे प्रतीत होता है कि चोर 4 से 6 की संख्या में थे। घटना की जानकारी मिलते ही भागन बिघा थाना पुलिस मौके पर पहुँच कर मामले की जांच कर रही है। चीज का दुकान है, कैसे क्या ले गया? ज्वेलरी शॉप है माजा नंबर ज्वेलर्स पतासंग, जो कि अंबा रोड में है। कल रात को अचानक दुकान में डाटा लगा। तो कैसे चोरी किया वो लोग? शटर काट के सब देखिएगा, इधर मुझे शटर काट दिए, उसके बाद जो भी जितना माल था सब ले गया। कितना का चोरी हुआ? लगभग 5 लाख से ऊपर का होगा। नगद भी है? नगद 50,000 है। तो कितना दूरी है रोड से? ये रोड से 50 मीटर दूरी होगी, 100 मीटर। क्या नाम हुआ आपका? तुलसी कुमार।